गाइस फाइनली आज हमको मिल गया सामान, और जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी। हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है एक नए दिन के साथ मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। तो गाइस ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है आज सुबह के 9 बजे से। 9 बज चुका है, सुबह का काम तो हो गया मेरा सारा। अब हम जा रहे हैं खटीमा। आजकल खटीमा जाते जाते हो गए हैं परेशान, हर दूसरे तीसरे दिन हम जा रहे हैं खटीमा सब्जी मंडी, क्योंकि वहाँ हमने फॉर्म भरे थे, तो उसके लिए कभी फॉर्म के लिए कभी किसी चीज़ के लिए हम जा रहे हैं। तो आज फाइनली मिलने वाला है शायद सामान, शायद हाँ, क्योंकि कोई पता नहीं, बोल तो रहे थे कल हम गए थे फॉर्म भर के, जमा तो नहीं किए, बोल रहे थे कल मिल जाएगा सामान। तो देखो आज क्या होता है, चलते हैं तो पता चलेगा क्या क्या मिलता है। जिनने भी श्रम कार्ड बना रखा है, पहले बनता है जॉब कार्ड, उसके बाद बनता है श्रम कार्ड। तो जिनने भी श्रम कार्ड बनाया है उसी के लिए ये फॉर्म भरे जा रहे हैं, और फिर मिल रहा है सामान। अभी अप्लाई कर सकते हैं आप, अभी भी खटीमा में बन रहे हैं श्रम कार्ड ऑफिस है जो मंडी समिति के बाहर, वहीं पे बन रहे हैं श्रम कार्ड, आप बनाना चाहे तो। टुक टुक वाले भैया भी आ गए, हम लोग जाने लग गए हैं, भावना दीदी और मैं। गाइस देवरानी जेठानी भी आ गए हैं हमारे साथ, और आज भागते भागते दीयू जीतते रहो, दीयू को भी लाए हैं ये ना, ये कौन आया। चलो आ जाओ आ जाए। तो गाइस हम लोग पहुंच गए खटीमा बाजार, रो रो देखिए गाइस आप लोग भी खटीमा बाजार हमारे साथ, ये देखिए। तो गाइस हम लोग पहुंचने वाले हैं मंडी में। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं सब्जी मंडी। तो सब्जी मंडी में कैसे घूम रहे हैं बंदर ये। तो गाइस यहाँ देखिए भीड़, यहाँ क्या फायदा है बच्चों का है, कर रहे हैं यहाँ से, कब आएगा हमारा नंबर। हाँ तो गाइस हम लोग का भी नंबर आ चुका है, हम लोग को मेरे सामान की रसीद, ये देखिए सुनीता की, और ये मेरी, इतने दिन की मेहनत का फल फाइनली आज हमको इंतजार की घड़ी अब खत्म हुई। 5-6 दिन का इंतजार, इतने दिन रोज रोज यहाँ दौड़ मंडी की ना, अब फाइनली सामान मिल जाएगा हमको अभी, लेकिन आगे भी लाइन लगाएंगे फिर साइकिल और मशीन तो मिलने वाली है। अच्छा और लगाएंगे चक्कर अभी फिलहाल जो अभी मिलने वाला है वो तो मिलेगा, अभी तो वहाँ लाइन लगानी गाइस हमको, आगे रोड में है जो वहाँ पर मिल रहा है सामान तो उधर लगा। अभी सुनीता और मैं जा रहे हैं अभी, और पीछे लाइन में लगे हैं, उनका नहीं आया अभी जगला अभी आए। ऐसी भाई सामान के यहाँ पर देखिए भीड़, भीड़ पार करके आ गए फिर, और ये एक भीड़ पार कर दी और एक भीड़ हमें ये देखिए ये पार कर दी है, ये रोड के पार है भीड़, ये पार करनी है तब मिलेगा हमको सामान। हम लोग यहाँ पे लग गए हैं लाइन में, इतनी लाइन पार करने के बाद आएगा हमारा नंबर। तो गाइस मेरा नंबर तो आ गया है, सबसे पहले मेरा ही आया, अब अभी देखो अभी सब लोगों का कब तक आता है, रोड तक लाइन से फाइनली नंबर आ गया। तो अभी कर रही हूँ मैं इंतजार यहाँ पर पेड़ के नीचे, साथ वालों में एक का और आ गया है मेरी देवरानी का, ये देखो गाइस इनको मिल गया है सामान, फाइनली मेहनत का फल मिल गया, मिल गया हमको भी मिल गया है सामान, आ गए मेहनत का फल मिल गया हमको। अभी जेठानी भी आ रही है, ये देखो गाइस जेठानी भी आ गई है। ये भारी हो गया, भारी हो गया यहाँ सबने, हमने कर दिया इकट्ठा ये, अभी टुक टुक में जाएगा, आएगा नहीं टुक। वाव टेस्टी, मेरी खत्म भी हो गई, रास्ते में हो रही कुल्फी पार्टी मैंने खा दिए गाइस, क्योंकि बहुत टेस्टी हुई है। गाइस हम लोग पहुंच गए हैं घर, झोला हमने पीछे बांध दिए सबकी, देखिए बैग, ऐसे बैग मिले हमको, पकड़ो अपना बैग, सुनीता तो वापस यहीं से जाएंगे इधर को, इनको वहाँ नहीं उतारा यहीं उतार रहे हमारे साथ ही बैग बांधे थे ना एक, तो फिर ये जाएंगे इधर से यहाँ को। बाप रे धूप इतनी लग रही है ना, दीदी तो ला गए अपने सामान यहाँ पर, ये अभी यहाँ पर दुकान होती तो कुछ पीते, कोल्ड ड्रिंक ऐसी हो गई, इतना आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक पी गई भी प्यास ही नहीं बुझी है। गाइस पहुंच गई हूँ मैं घर, फाइनली मिल गया हमको सामान, सैनिटरी पैड का बॉक्स है और ये एक बैग, अब इसमें बैग में देखो क्या क्या है वो आपको अंदर चल के खोल के फिर दिखाऊंगी। गाइस यहाँ पर करने लग गए हैं सामान की अनबॉक्सिंग, और दीदी भी आ गए हैं,
कब आए पता नहीं, मैं तो अभी पहुंच रही हूँ। सरप्राइज सरप्राइज दे दिया दीदी ने। तो यहाँ देखिए सामान क्या क्या है। ये क्या है, क्या बोलते हैं इसको पता नहीं गाइस, इसको क्या बोलते हैं। ये देखिए एक ये है और एक है हथौड़ा। ये देखिए हथौड़ा कील ठोकने के लिए काम आएगा ये। और साथ में है फड़वा, इस टाइप का है फड़वा। ये बाप रे भारी भी इतना है ना ये। और ये मिला है रेनकोट घास जाने के लिए, इसको पहन के घास जाएंगे गाइस हम लोग। और बारिश में हम ये टोपी पहनेंगे। ये देखिए बरसात में खुद को अपने बालों को सेफ्टी करने के लिए, बालों को भीगने से बचाने के लिए ये टोपी मिली है। और वाह ग्लव्स भी हैं इसमें। ये घास काटे टाइम चौमास के टाइम काटेंगे जिससे कि हमारे हाथ ख़राब नहीं होंगे। और चश्मा भी है, चश्मे का यूज़ भी करेंगे धूप से बचने के लिए। और जूते इतने बड़े, मेरे तो इतने पाँव भी नहीं है, मेरे पाँव के तो आधे आधे मेरा बड़ा बेटा के पाँव में आ जाएंगे देव के काम। बाप रे भारी भी इतने हैं ये जूते। ये देखिए गाइस जूते। और ये रस्सी है। ये देखिए ये रस्सी बहुत भारी, पहाड़ों में चढ़ने वाली जैसी है ये। ये आपको फुर्सत से बाद में दिखाऊंगी, अभी थकान हो गई अभी आए। तो ये है सामान, जूते, फड़वा, ग्लव्स, कुदाल बोलते हैं इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, चश्मा। और यहाँ पे जलेबी रखी है, मैं पानी पी रही हूँ साथ में। हथौड़ा, टोपी, ग्लव्स भी, वो भी तो है, मास्क साथ में, मास्क अपनी सेफ्टी। ये देखिए ये है हमारा सामान। ये शाम को इसके लिए आपको करना है इंतज़ार, शाम तक का, शाम को फुर्सत से दिखाऊंगी। और इसके लिए हमने किया है कब से इंतज़ार, 6-7 दिन, कितने दिन दौड़ गए हैं हम इस सामान के लिए। ये लोग क्यों होने लग गई है घर जाने की तैयारी, जाने लग गए हैं घर को। और यहाँ पर है विक्की, विक्की घर आ रखे हैं थोड़े दिन पहले, एक हफ्ता हो गया होगा शायद ना। तो अभी जा रहे हैं धूप में ही घर। हाँ यहाँ पर बच्चे भी आ गए स्कूल से, खाना खाने लग गए हैं। अभी देती हूँ भात, रुक जा, देव को दे दिए साहिल, अभी कह रहा है अभी देती हूँ, आ जा बाय। तो गाइस एक सामान मैंने तब खोल के दिखाया नहीं था आप लोग को, दिखाती हूँ। रस्सी मिली है, वो भी ऐसी है जो पहाड़ों में चढ़ते हैं रस्सी। ये देखिए भैंस का गलियों बनाने के काम आएगी, खूब मजबूत है, मोटी रस्सी है। ये देखिए जो पहाड़ों में ऐसे ऊपर को फेंक के चढ़ते हैं, जो ये कमरों में बांध के, वैसी रस्सी है। ये देखिए सामान मैंने दिन में सब ऐसे ही फेंका, अब रख देती हूँ उनको भी। एक बार और दिखा देती हूँ आपको, ये हेलमेट, ग्लव्स, चश्मा, ये ड्रेस बारिश में रेनकोट का काम करेगी पता नहीं। और ये है हथौड़ा, फड़वा, ये कुदाल, कुदाल बोलते हैं पता नहीं क्या बोलते हैं, इनमें लकड़ी लगाना है फड़वा और इसमें तब इसका यूज होगा। और जूते ये देखिए, इसमें तो रस्सी थी। और ये है बैग, बैग भी कुछ काम ही आएगा, इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों की तस्वीर बनी है। देखिए श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, श्री पुष्कर सिंह धामी माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तराखंड भवन एवं अन्य निर्माण एवं कल्याण बोर्ड, ये बैग मिला है। और यहाँ पर सैनिटरी पैड का बॉक्स मिल रखा है, ये देखिए 24 पाउच है इसमें बोल रहे थे। तो यही मिला है हमको आज सामान, ये देखिए। तो गाइस आप लोग भी अगर इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो जल्दी से बनाइए अपना श्रम कार्ड, और जिन्होंने बनाया वो जाइए मंडी समिति में, वहाँ पर से फॉर्म मिलके, टोकन मिलके, फिर ब्लड टेस्ट होगा, उसके बाद मिलेगा ये फाइनली सामान। हमको इतने चक्कर लगाने पड़े थे, 5-6 चक्कर, तब जाके आज मिला है। तो आप लोग भी जिन्होंने भी नहीं बनाया श्रम कार्ड, वहीं मंडी समिति के बाहर खटीमा में श्रम ऑफिस है, वहाँ बन रहे हैं श्रम कार्ड। उसके बाद सामान अभी तो नहीं मिलेगा, जिनका अभी बन रहा है उसके 90 दिन के बाद मिलेगा। तो अगली बार जो
की सुविधा आएगी तो उसी में जो पहले की सुविधा है वो भी मिल जाएगा, वो वाला सामान भी और बाद में वाला भी, सभी सामान एक साथ मिल जाएगा। ऐसा आज फिर से आ गई है बारिश, रिम झिम थोड़ा होता है ठंडा, गर्मी से राहत। हमारे यहाँ तो आ गई है खटीमा में बारिश, ये देखिए बानूसी में, खटीमा में तो पता नहीं, थोड़ा खटीमा अब हमारे यहाँ से दूर हुआ ना, ये देखिए। तो गाइस आज की वीडियो को भी इतना ही रखती हूँ, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई है, और जो भी मैंने श्रम कार्ड के बारे में आप लोगों को जो भी जानकारी दी, आशा करती हूँ आप लोगों के वो काम आए। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक कमेंट शेयर, और जो इस चैनल में नए हैं प्लीज़ वीडियो को चैनल को करें सब्सक्राइब। ओके गाइस, बाय बाय, गुड नाइट।